तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो में। और आज की वीडियो में आप लोगों को रूटिंग का कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं कि ये रूट एग्जैक्टली होता क्या है, और अगर आप लोगों ने अपने फ़ोन को रूट कर लिया तो आप लोगों को क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं और क्या क्या भाई इसके ड्रॉबैक हो सकते हैं। क्योंकि यार ये जो रूटिंग है ना, एक ऐसी पावर आप लोगों को प्रोवाइड करती है कि आप लोग अपने फ़ोन को इतना भयानक बना सकते हो कि आपका फ़ोन चांद तक भी पहुँच सकता है, और आप लोग अपने फ़ोन को इतना ख़राब भी कर सकते हो कि आपका फ़ोन पूरी तरीके कैसे डेड हो सकता है। तो रूट हमेशा प्रॉपर नॉलेज के साथ ही करें। अगर आपको रूटिंग के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, आपको बिल्कुल ए बी सी डी कुछ नहीं पता, आप लोगों ने कहीं सुन लिया कि रूट करने से ये फायदा मिल सकता है या रूट करने के बाद ये ऐप चल सकता है, और आप ये सोच के कर रहे हो रूट, तो भाई बिल्कुल मत करना। क्योंकि रूटिंग का एक मैं एक छोटा सा ऐसा रियल लाइफ एग्जांपल अगर दूं ना, तो आप लोग रूट का मतलब ऐसे समझो कि आपने एक इंसान को लोडेड बंदूक पकड़ा दी और उसके पास बंदूक चलाने की कोई भी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है। तो तुम लोग खुद सोचो वो इंसान कितना खतरनाक हो सकता है जिसके पास एक लोडेड बंदूक है बट उसके पास बंदूक चलाने की ट्रेनिंग नहीं है और वो बंदूक को चला रहा है, तो वो क्या हो सकता है आप लोग खुद समझ सकते हो। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इस कमाल की वीडियो को, और पूरा एंड तक देखना ताकि इस टाइप की इन्फॉर्मेशन तुम लोगों से छूट ना जाए। तो आइए अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये रूट एग्जैक्टली होता क्या है या फिर रूटिंग एग्जैक्टली क्या होती है। अगर मैं आप लोगों को अपनी भाषा में समझाऊं कि रूटिंग या फिर रूट क्या होता है, तो मैं सिर्फ एक वर्ड आप लोगों को बोलूंगा, वो है गॉड या फिर भगवान। भगवान क्या कर सकता है? भगवान या तो कोई भी चीज़ को बना सकता है या फिर कोई भी चीज़ को ख़त्म कर सकता है। रूट बिल्कुल वैसा ही काम करता है एंड्रॉयड के लिए। आप अगर रूटिंग परमिशन ले लेते हैं एंड्रॉयड के लिए, तो आप लोग बन जाते हैं एंड्रॉयड के भगवान। आप लोग एंड्रॉयड के फाइल सिस्टम के अंदर, जो कि सिक्योर होता है, नॉर्मल यूज़र्स के लिए वो एक्सेसिबल नहीं होता, आप लोगों को इतनी पावर मिल जाती है कि आप लोग उन फाइल सिस्टम के साथ छेड़खानी कर सकते हो, और आप लोग चाहो तो उन फाइल सिस्टम को मॉडिफाई करके अपने फ़ोन को बहुत ही कमाल का बना सकते हो। या फिर अगर आपको नॉलेज नहीं है और आप लोग फिर भी उसमें उंगली कर रहे हो फाइल सिस्टम में, तो आप लोग इतना ख़राब कर सकते हो अपने फ़ोन को कि आपका फ़ोन डेड हो जाएगा। तो समझ गया ना आप लोग, रूट या फिर रूटिंग का एक ही मतलब होता है। रूट का क्या मतलब होता है? भगवान। आप लोग यही चीज़ याद रखना, रूट का मतलब होता है भगवान, रूटिंग का मतलब होता है कि भगवान बनना। समझ गए, रूट का मतलब भगवान, रूटिंग का मतलब भगवान बनना। अगर आप लोग एंड्रॉयड के संदर्भ में बात कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा हिंदी हो गई, अगर आप लोग एंड्रॉयड के लिए बात कर रहे हो, तो भैया आप लोग रूटिंग अगर करना चाह रहे हो तो आप लोग बनना चाहते हो एंड्रॉयड के भगवान। आप लोग एंड्रॉयड के अंदर कुछ भी हासिल कर लेना चाह रहे हो, आप लोग उसके फाइल सिस्टम के साथ खेलना चाह रहे हो, आप लोग चाहते हो कि भैया मैं चाहूँ कि वॉल्यूम बटन में दबाते ही मेरा कैमरा खुल जाए, आप लोग चाहते हो कि वॉल्यूम बटन दबाते ही मेरा गूगल क्रोम खुल जाए, तो ऐसी चीज़ें भी आप लोग रूटिंग से हासिल कर सकते हो। बट एक चीज़ याद रखना, बड़ी ताकत के साथ आती है बड़ी जिम्मेदारियाँ। अगर आप लोगों ने स्पाइडरमैन देखी होगी, तो रूटिंग अगर आप लोगों ने कर लिया है अपने फ़ोन में और आप लोगों को इतनी पावर हासिल हो गई है कि आप लोग भगवान बन चुके हो, तो उस शक्तियों का भाई बहुत ही अच्छे से आपको यूज़ करना है। क्योंकि अगर आप लोगों ने भाई कोई भी गड़बड़ की या फिर कोई भी ऐसी फाइल को मॉडिफाई कर दिया फ़ोन का, जो भाई आप लोगों को नहीं करना चाहिए था, तो आपका फ़ोन काफ़ी दिक्कत में आ सकता है। तो आई होप सो कि आप लोगों को इतना समझ में आएगा। देखो, मैंने कोई भी बहुत इन डिटेल चीज़ें नहीं बताई, ठीक है, मैंने सिर्फ एक ऊपर का कॉन्सेप्ट बताया। यहाँ पर तुम लोग देख पाओगे मैंने बहुत ही लंबी चौड़ी स्क्रिप्ट लिखी थी सिर्फ एक टॉपिक के ऊपर, कि ये रूट आखिर कैसे मैं तुमको समझा सकता हूँ कि रूट हो क्या सकता है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि किसी को भी अगर समझाना है तो गूगल वाली भाषा में नहीं समझा सकती, क्योंकि वो काफ़ी टेक्निकल होती है, जिसको नहीं समझ में आ रहा वो कैसे समझेगा। तो आप लोगों को मैंने बिल्कुल बेसिक में बताया कि रूट का मतलब होता है भगवान बनना। अब ऐसी ही चीज़ आप लोगों को कंप्यूटर में भी मिलती है, विंडोज़ के अंदर भी मिलती है। आप लोगों ने देखा होगा वहाँ पे आप लोगों को एक एडमिन का सेक्शन मिलता है। आप लोग जानते हो ना, अगर आप लोग भाई विंडोज़ के ऊपर जाते हो, किसी भी प्रोग्राम के ऊपर राइट क्लिक करो, तो वहाँ पे लिख के आएगा रन एज एडमिन। आप लोगों ने ये चीज़ देखी होगी। तो वो जो एडमिन है वो कंप्यूटर के लिए रूट का काम करता है, ठीक है, कंप्यूटर के लिए भगवान का काम करता है। एंड्रॉयड के लिए रूट भगवान का काम करता है। अगर आपके पास iOS है तो iOS में एक होता है वर्ड जेलब्रेक, ठीक है, अभी तक शायद जिन लोगों ने iOS चलाया होगा उनको शायद ये वर्ड के बारे में पता हो। तो जो जेलब्रेक है वो iOS में भगवान का काम करता है। दरअसल ये सारा कॉन्सेप्ट एक ही चीज़ के लिए बताया जाता है,
कि आप ऐसी ताकत के हकदार बन जाते हो जो ताकत आप लोगों को या तो भगवान बना देती है फोन का या फिर कंप्यूटर का, या फिर आप लोग भाई उस ताकत के मदद से अपने फोन या कंप्यूटर को पूरी तरीके से खत्म कर देते हो। तो कभी भी मैं फिर बता रहा हूँ, रूट, एडमिन, जेल ब्रेक, ये तीनों का यूज अगर आप लोग अपनी समझदारी से करते हो, नॉलेज के साथ कर सकते हो, तो इनसे बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। बट गलतियां करोगे तो कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि फोन, कंप्यूटर या फिर आपका आईफोन डेड भी हो जाएगा। तो अब हम लोग जानते हैं रूटिंग के क्या क्या फायदे हो सकते हैं, या फिर अगर आप लोग एंड्रॉयड के भगवान बन चुके हो तो आप लोगों को क्या क्या फायदे मिल सकते हैं। सबसे पहला फायदा आप लोगों को मिल सकता है कि आप लोग अपने फोन के अंदर से ब्लोटवेयर एप्स को हटा सकते हो बहुत ही ईजिली। अगर किसी को नहीं पता कि ये ब्लोटवेयर एप्स क्या होते हैं तो मैं उनको बता देना चाह रहा हूँ। तो जब भी आप लोग कोई फ़ोन लेकर के आते हो तो आप लोगों ने देखा होगा उसके अंदर कुछ ऐसे ऐप्स होते हैं जो आप लोग अनइंस्टॉल कर ही नहीं पाते हो, आप लोग उनका यूज़ नहीं कर रहे होते हो, ना आप लोग उनका यूज़ करते हो कभी इन फ्यूचर, बट वो खाली पड़े रहते हैं आपके फ़ोन के अंदर और आप उनको हटा नहीं पा रहे होते हो। आप हटाने की कोशिश करते हो तो अनइंस्टॉल का ऑप्शन नहीं आता, तो वो ऐप्स को कहते हैं हम लोग ब्लोटवेयर ऐप्स। वो ऐसे ऐप्स होते हैं जो कंपनी आपके फ़ोन के अंदर डाल के रखती है जिनको आप हटा नहीं सकते। तो रूट की मदद से सबसे पहला फायदा यही है कि आप लोग अपने ब्लोटवेयर ऐप्स को हटा सकते हो, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं रूट का हमारा दूसरा सबसे ज़्यादा बड़ा बेनिफिट क्या मिलता है। सबसे बड़ा बेनिफिट दूसरा हमारा ये है कि आप लोग एंड्रॉयड को अपने, आपका जो एंड्रॉयड है ना उसको पूरा कस्टमाइज कर सकते हो। कस्टमाइज से अभी तक आप लोग क्या समझते आए हो, कि वॉलपेपर बदल दिया, थोड़ा सा थीम बदल दिया, थोड़ा सा कलर बदल दिया, बस यही ना। लेकिन नहीं, इससे ज़्यादा आप लोग अपने फ़ोन को कस्टमाइज़ कर सकते हो। आप लोगों ने देखा होगा एक स्पेशल फीचर मैं बताता हूँ कुछ फ़ोनों का, अगर आप लोग कोशिश करना कभी करके कि अगर आप लोग अपने फ़ोन के अंदर एक वाईफाई को कनेक्ट करना, ठीक, और साथ में ही कोशिश करना कि आप अपने फ़ोन का हॉटस्पॉट भी खोल सको, क्या कर पाओगे ऐसा? बिल्कुल नहीं, आप लोग अपने फ़ोन के अंदर ये नहीं कर पाओगे, पर मैं अपने फ़ोन के अंदर ये कर सकता हूँ। पर एक और बीच का रास्ता मैं बताता हूँ आपको, कुछ ऐसे ऐप्स भी आती हैं जो ये काम करने में आपकी हेल्प करती हैं, बट वो हर फ़ोन के अंदर सक्सेस नहीं है। पर मैंने इसी चीज़ को हासिल किया है अपने इस फ़ोन के अंदर, यहाँ पे ये फ़ोन रखा है, ये है MI का Note 6 Pro। इसको मैंने क्या किया, सबसे पहले किया मैंने रूट, फिर इसके अंदर मैंने डाला कस्टम रोम जो कि है Evolution X, और उस कस्टम रोम के अंदर एक स्पेशल फीचर को इनेबल किया जिस फीचर के अंदर आप लोगों को मिलता है कि आप लोग अपने वाईफाई को तो यूज़ कर ही सकते हो, प्लस उस वाईफाई के नेटवर्क को आप लोग हॉटस्पॉट में ट्रांसफ़र कर सकते हो। ये एक बहुत ही कमाल की चीज़ है, आप लोग अपने फ़ोन में ज़रूर ट्राई करना, देखना होता है कि नहीं होता है। और थर्ड चीज़, जैसे कि मैंने बताया अभी आपको कि मैंने अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल किया कस्टम रोम, आप लोगों ने देखा होगा कि जो आपका एंड्रॉयड है वो एक टाइम के बाद आते आते अपडेट देना बंद कर देता है। कुछ लोगों का जो एंड्रॉयड होता है वो काफ़ी पुराना होता है, तो क्या करता है गूगल की उसके ऊपर अपडेट नहीं भेजता। कुछ लोगों का एंड्रॉयड आज भी शायद एंड्रॉयड 8 पे ही अटका हो, कुछ का एंड्रॉयड 9 पे ही अटका हो, उनको भैया एंड्रॉयड 11, 12 और 10 ये सब के अपडेट ही नहीं मिल पा रहे हैं, बेचारे बड़े परेशान हैं। तो आप लोग जब रूट कर लेते हो अपने फ़ोन को तब आपके पास एक खास ऑप्शन खुल जाता है कस्टम रोम्स का। आप अपने फ़ोन के अंदर एक कस्टम रोम को फ्लैश कर सकते हो जिससे कि आप लोग अपने फ़ोन को एंड्रॉयड 8, 9 या 10 से अपग्रेड करके एंड्रॉयड 11 या फिर 12 तक ले जा सकते हो और 11 और 12 का मज़ा उठा सकते हो। है कि नहीं कमाल की चीज़। ये तो तीन बहुत ही मेन एग्जांपल थे रूट करने के बाद आप लोग जो हासिल कर सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर मैं बताने चलूँगा तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी बन जाएगी। तो मैं क्या करने वाला हूँ कि आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ कि आप लोग रूट से क्या क्या हासिल कर सकते हो, इसके ऊपर आप लोग गूगल सर्च करो, ठीक है, और पता करो कि रूट करने के बाद क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं आपके एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर, उसके बाद ही आप लोग सोचना रूट करने की। तो रूटिंग के बेनिफिट्स सुन के तुम लोग तो बड़े खुश हो गए होगे, सोच रहे होगे और जल्दी से चलता हूँ अपने फ़ोन को रूट करता हूँ और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ों के मज़े लेता हूँ। लेकिन रुको, रूट करने के एडवांटेज तो सुन लियो, क्या तुमको डिसएडवांटेज भी पता है रूट करने के? तो बिल्कुल, रूट करने के बहुत ही खतरनाक डिसएडवांटेज हो सकते हैं। अब देखो, मैं एक तुम्हें अजम्पशन बताता हूँ और एक सही रेशियो बताता हूँ।
100 में से 80 लोग ऐसे होते हैं जो कि भाई अपने फ़ोन को रूट कर लेते हैं बट उन्हें बेसिक एंड्रॉयड सिस्टम की नॉलेज नहीं होती है। वो किसी YouTube वीडियो के इन्फ्लुएंस में आकर के, किसी वेबसाइट के इन्फ्लुएंस में आकर के अपने फ़ोन को रूट कर बैठते हैं बट उन्हें बेसिक चीज़ें नहीं पता होती फ़ोन के बारे में कि कौन सी फाइल को मॉडिफाई करना है, कौन सी फाइल को मॉडिफाई नहीं करना है। तो सबसे बड़ा खतरा आप खुद हो अपने फ़ोन के लिए। अगर आप अपने फ़ोन के भगवान बन गए, आपने अपने फ़ोन के अंदर रूट हासिल कर लिया है और आपको ये नहीं पता कि कौन सी फाइल को डिलीट करने से आपका फ़ोन ख़राब हो सकता है, तो आप लोग सबसे खतरनाक इंसान हो अपने फ़ोन के लिए। आप लोग मान लेते हैं कि किसी ऐसी फाइल के साथ छेड़खानी कर देते हो गलती से, जिस फाइल के साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए थी, तो आपका फ़ोन क्या होगा, एक बार स्विच ऑफ होगा तो दोबारा कभी ऑन नहीं हो पाएगा। अगर आप लोग रूट यूज़र नहीं होते हो, मान लो आप भगवान नहीं हो, तो आप लोग सबसे पहले कैसे सेफ रहोगे, उस फाइल तक आप लोग पहुंच ही नहीं पाओगे। आप लोग उस फाइल को चेंज करना तो छोड़ो, उस फाइल तक आप लोग पहुँच नहीं पाओगे। जब पहुंच नहीं सकते तो चेंज नहीं कर सकते, पर अगर आप लोगों ने रूट को हासिल कर लिया तो आप लोग उस फाइल तक पहुंच भी सकते हो, और भैया अनजाने में अगर तुमने कुछ छिड़खानी कर दी तो वो फाइल डिलीट हो जाएगी या फिर कुछ चेंजेस आ जाएंगे उस फाइल में, तो तुम्हारे फ़ोन के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो हमेशा रूट एक अच्छी चीज़ है, बट याद रखना कि उसको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से एक एक स्टेप को समझ के ही यूज़ करना। ठीक है, दूसरा ड्रॉबैक, अब लोग कहते हैं और बहुत सारी जगहों पे मैंने भी सुना है कि रूटिंग करने से आपका फ़ोन कई बार हैक होने के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। देखो, एंड्रॉयड फ़ोन जो होता है ना, वो एक लिनक्स बेस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर वर्क करता है, और लिनक्स के अंदर जो रूट होता है वो भैया बिल्कुल मेन फाइल्स को एक्सेस करने की परमिशन देता है। सेम एंड्रॉयड के लिए भी है, रूट किया मतलब सारी मेन फाइल की तुम्हें परमिशन देनी पड़ेगी। अब हम लोग मानते हैं कि कोई एक ऐसा आप लोगों ने अपने फ़ोन के अंदर ऐप डाउनलोड कर लिया, ठीक है, जो कि हैकिंग से रिलेटेड है, और उसके अंदर किसी हैकर ने कोई ऐसी फाइल को, मिलिशियस फाइल को, कोई ऐसे वायरस को डाल के भेज दिया जो कि आपके फ़ोन के अंदर शांत बैठा रहेगा तब तक जब तक उसे रूट की परमिशन ना मिल जाए, और आप लोग उस ऐप को खोलते हो और आप सोचते हो कि यार ये ऐप बड़ा बढ़िया है, चलो इसको खोलते हैं। जैसे ही खोलोगे टॉगल उठ के आएगा, बोलेगा कि भैया मुझे रूट की परमिशन दो तभी मैं आगे बढ़ूंगा, और तुम्हें तो चलाना है वो ऐप, तो तुम लोग जल्दी से करोगे अलाउ, चलो इसको रूट की परमिशन दे दो, धड़ाक से दे दी। अब रूट की परमिशन देने से तुम्हें क्या हुआ, वो ऐप तो वर्क कर गया, तुमने ऐप तो चला लिया, पर तुम्हें पता है कि बैकग्राउंड में क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? नहीं, बैकग्राउंड में हैकर लोग तुम्हारे फ़ोन का डेटा एक्सेस करने लगते हैं, और वो तुम्हारे फ़ोन के साथ कुछ भी कर सकते हैं। क्यों क्यों कर सकते हैं कुछ भी? एंड्रॉयड और लिनक्स तो इतना सेफ माना जाता है, फिर वो लोग क्यों कुछ भी कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि तुमने खुद उन्हें बोला है कि कुछ भी कर लो मेरे फ़ोन के साथ, तुमने उनके बनाए हुई ऐप को रूट की परमिशन दी, और एक बार रूट की परमिशन उस ऐप को मिली तो वो ऐप तुम्हारे फ़ोन के अंदर घुस जाएगा, और जो तुम्हारे एंड्रॉयड की सीक्रेट फाइल्स हैं, तुम्हारी फाइल्स हैं, उनको वो चाहे तो मॉडिफाई करे, चाहे तो कॉपी करके हैकर के पास भेज दे, कुछ भी कर सकता है। तुम्हारे फ़ोन के साथ कुछ भी हो सकता है, तुम्हारा फ़ोन एक खुला दरवाज़ा बन चुका है। अगर तुमने किसी भी ऐप के अंदर रूट की परमिशन दे दी, तुम तब तक सेफ रह सकते हो जब तक तुम्हारा ये दिमाग वर्क कर रहा है। अगर तुम्हारा दिमाग सही चल रहा है, तुम कोई भी ऐसी फालतू की ऐप इंस्टॉल नहीं करते हो, एक बार के लिए मैं मानता हूँ इंस्टॉल भी कर लेते हो बट उसको रूट की परमिशन नहीं देते हो, तो तुम्हारा फ़ोन तब तक सेफ रहेगा। क्योंकि भाई लोग मानते हैं कि लिनक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो काफ़ी सेफ है, बट मैं नहीं मानता, क्योंकि लिनक्स के अंदर भी वायरसेस आ सकते हैं। ऐसा कौन कहता है कि लिनक्स के अंदर वायरस नहीं आता या लिनक्स हैक नहीं होता? बिल्कुल होता है, आते भी हैं, पर ज़्यादातर लोगों का यही मानना है कि लिनक्स काफ़ी सेफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट वो तब तक सेफ है ज़्यादा जब तक आप उसको रूट की परमिशन ना दे दो। आपने रूट की परमिशन थमा दी किसी इंसान को, तो वो आपका पूरा कंप्यूटर ही उड़ा देगा, आपका पूरा फ़ोन ही ख़राब कर देगा। तो याद रखना, रूट करो, मज़े से करो, पर कोई भी ऐप अगर तुम अपने फ़ोन के अंदर डालते हो तो पहले चीज़ क्या देखोगे, वो ऐप क्या क्या चीज़ों की परमिशन मांग रहा है। तुम्हें अपने ऐप्स को इंस्टॉल करने से पहले, मैंने बताया ना 80% लोगों को बेसिक एंड्रॉयड चलाने की नॉलेज नहीं होती, तुम्हें ऐप के बारे में पता होना चाहिए कि ऐप कौन कौन सी परमिशन मांग रहा है तुमसे। क्या वो ऐप भैया कैलकुलेटर ऐप है, हम लोग ऐसा मानते हैं, एक जादुई कैलकुलेटर ऐप तुमने डाउनलोड कर ली और वो परमिशन मांग रहा है कैमरे की,
दिमाग चलाओ, एक कैलकुलेटर ऐप कैमरा क्यों यूज़ करना चाहेगा? वो अगर कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, वो अगर फाइल की इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, एक कैलकुलेटर मान लो एक कैलकुलेटर ऐप है, उसका काम है सिर्फ नंबरों को जोड़ना, वो कैमरा क्यों चाहता है एक्सेस करना, वो फाइल्स क्यों चाहता है तुम्हारी एक्सेस करना, वो कॉन्टैक्ट्स क्यों चाहता है एक्सेस करना? कुछ तो गड़बड़ होगी ना, अपने दिमाग का यूज़ करना है उस जगह पे तुम्हें समझना पड़ेगा कि वो कैलकुलेटर ऐप ऐसा चाहता क्यों है। तो इसीलिए हमेशा याद रखना, रूट कर तो रहे हो पर तुम्हारे अगर दिमाग में कुछ नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं आता, सिर्फ तुमने एक यूट्यूब वीडियो देखी, उसने कहा कि ये ऐप से भैया तुम अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हो, पर ये ऐप चलाने के लिए तुम्हें रूट करना पड़ेगा अपना फ़ोन, और तुमने धड़ से रूट कर लिया और ऐप्स डालने शुरू कर दी, तो कहीं ना कहीं तुम अपने फ़ोन को कमज़ोर बना रहे हो। और मैं ये नहीं कहता कि हर किसी पे अटैक हो ही जाता है, बट भैया खतरा तो फिर भी मोल ले रहे हो, ठीक है। तो ये दो सबसे मेन थे जो रूट करने के बाद ड्रॉबैक आते हैं। रूट करने के बाद और भी काफ़ी ड्रॉबैक्स आ सकते हैं, इन ड्रॉबैक्स के बारे में मैं तुम लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ, तुम लोगों को खुद से गूगल करना है। क्योंकि देखो मेरे इस चैनल का एम क्या रहता है कि जो अपने इंडियन है ना, उन इंडियंस को भाई थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन देते रहो, बट उनको इतना इनकरेज करते रहो कि भाई उतनी इन्फॉर्मेशन तो मिल गई, अब वो लोग खुद से और इन्फॉर्मेशन को गूगल के ऊपर फाइंड आउट करें। मैं तुम्हें उस लेवल तक ले जाना चाहता हूँ जहाँ पे ये फॉरेनर्स लोग सोचते हैं। मैंने ये फॉरेनर्स में बहुत अच्छी खासियत देखी है कि वो लोग क्या करते हैं, उनको थोड़ी सी जानकारी मिलती है तो वो और ढूंढने की कोशिश करते हैं। मैं देखो इंडिया की कोई बुराई नहीं करता, बहुत ही अच्छी जगह है, बट मैं यहाँ के लोगों की करता हूँ, यहाँ के लोगों को भी थोड़ा क्रिएटिव और बनना पड़ेगा। इसलिए मैंने तुम्हें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दी है, अब तुम्हें खुद से जानना है रूट के और ड्रॉबैक्स क्या हैं। तुम रूट के और ड्रॉबैक्स खुद से ढूंढो और पता करो कि रूट के और ड्रॉबैक्स क्या हैं, और समझो इनके बारे में। तुमको एडवांटेज सारे समझ में आ गए होंगे, तुमने बेसिक एडवांटेज तो देख ही लिए और खुद से भी कुछ ढूंढे होंगे, तुमको एडवांटेज क्लियर हो गया, तुमको रूट क्या होता है ये क्लियर हो गया, तुमको डिसएडवांटेज क्या था अभी मैंने सब बता दिया, मेन दो डिसएडवांटेज तुमको मैंने बता दिए, बाकी डिसएडवांटेज तुम गूगल से ढूंढ लेना, उसके बाद ही आगे बढ़ना, बिना ढूंढे आगे प्लीज़ मत बढ़ना, ठीक है। अब मैं तुम लोगों को नेक्स्ट टॉपिक ये बताता हूँ कि भाई जो हमारा एंड्रॉयड फ़ोन है वो प्री रूटेड क्यों नहीं आता। प्री रूटेड का क्या मतलब होता है? प्री रूटेड का मतलब होता है कि तुम्हारा एंड्रॉयड फ़ोन पहले से ही रूट हो गया है। ये भी कई लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया था एक बार, इस चैनल पे नहीं, मेरे एक पहले चैनल था उसके ऊपर कुछ लोग पूछते थे कि हमारा एंड्रॉयड फ़ोन पहले से रूट होके क्यों नहीं आता। तो तुम लोग भाई खुद से सोचो कि गूगल इतनी बड़ी कंपनी है, वो ये सारी चीज़ें जानती है, वो ये सब कुछ जानती है कि लोगों के दिमाग का प्रोस्पेक्टिव क्या है। 80% लोग जिनको बेसिक एंड्रॉयड के फंक्शंस के बारे में नहीं पता, वो लोग कुछ भी सोच सोच के करते रहते हैं, अगर उनको रूट की परमिशन दे दी जाए तो कितना खतरनाक हो सकता है। वो लोग अपने फ़ोन के अंदर उंगली करते रहेंगे, कुछ छेड़खानी करते रहेंगे और कोई ऐसी फाइल को हटा बैठेंगे जो उनके फ़ोन को डेड कर सके, या फिर उनका फ़ोन भैया बंद हुआ तो खुल ही नहीं पा रहा है, ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए, या फिर उनका फ़ोन अनरिस्पॉन्सिव हो जाए। कई बार तुम लोगों ने देखा होगा कि एक टॉगल आने लग जाता है भैया एंड्रॉयड डिवाइस नॉट रनिंग करके, कुछ ऐसी भी प्रॉब्लम्स आने लग जाती है आपके फ़ोन में, या फिर अनफॉर्चुनेटली स्टॉप करके कुछ प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। तो इनसे क्या हो रहा है, तुम्हारे फ़ोन को चलाने में तुम्हें प्रॉब्लम होने लगेगी। तुमने रूट किया, तुमने सोचा लो भैया मैं कुछ नया एक्सपेरिमेंट करता हूँ रूट करके, ताकत तो तुम्हारे पास बहुत मिल गई, तुमने नया एक्सपेरिमेंट करने का सोचा और ख़राब कर बैठे फ़ोन। तो याद रखो मेरा फाइनल का डिसीजन होगा, इस वीडियो के एंड में आ गए हैं, क्योंकि हम लोग रूट करो, बिल्कुल करो। मैं खुद कहता हूँ मेरा फ़ोन रूटेड है और मैं अपने फ़ोन को रूटेड ही चलाना पसंद करता हूँ। पर रूटेड चलाने से पहले याद रखना, तुम्हें बेसिक फ़ोन की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। किसी भी यूट्यूब वीडियो या फिर किसी भी यूट्यूबर या फिर किसी भी गूगल के ब्लॉग या फिर किसी भी वेबसाइट के इन्फ्लुएंस में आके अपना फ़ोन कभी मत रूट करो। 3-4 चीज़ें दिक्कत में आ जाएंगी, मैं सारी चीज़ों को जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ, वैसे सारा टॉपिक बता चुका हूँ बट फिर भी सुन लो। पहली चीज़, रूट करने जाओगे, आज के फ़ोन इतने सिक्योर हो गए हैं कि रूटिंग करते वक्त ही तुम्हें प्रॉब्लम आएगी, और कई बार रूटिंग करते वक्त ही तुम अपने फ़ोन को डेड कर बैठोगे, क्योंकि आज के फ़ोन एंड्रॉयड 11 और एंड्रॉयड 12 पे हैं जो कि काफ़ी सिक्योर हैं, उनको रूट करोगे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी। सेकेंड, रूट कर लिया तुमने, अगर तुमने अपने फ़ोन को सही से नहीं चलाया तो तुम्हारे फ़ोन के अंदर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। डिसएडवांटेज वाला सेक्शन वापस से रिपीट करके देख लेना, तुम्हें पता चल जाएगा।
एडवांटेज बहुत सारे हैं, डिसएडवांटेज भी बहुत सारे हैं, बस इसके बीच में तुम खड़े हो। तुम अगर स्मार्ट बंदे हो, तुम अगर भाई ऐसे बंदे हो जिसको फ़ोन के बारे में, जिसको टेक्नोलॉजी के बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज है, वो हर एक चीज़ को देख समझ के करता है, तो तुम लोगों को वो जो लाइन है, वो जो बॉर्डर है, वो क्रॉस करके पहुंच जाना है रूट की तरफ। तुम्हें अपने फ़ोन को बिल्कुल रूट करना है। रूट करने के बाद तुम अपने फ़ोन को भाई बहुत ही गजब का बना सकते हो। पर तुम एक नौसिखिया हो जिसने सिर्फ यूट्यूबर्स की बातों में आकर के, किसी वीडियो के इन्फ्लुएंस में आके, कोई गेम हैक करने के लिए, कोई ऐप हैक करने के लिए, कोई पैसा कमाने के लिए रूट करना जा रहे हो, तुम्हें और कुछ नहीं आता, तो प्लीज़ उस फ़ोन को भाई अपने दिल के पास लगा के एक बार सोचो कि ये फ़ोन अब अलविदा होने वाला है। मैं ऐसा नहीं कहता कि होगा ही होगा, बट चांसेस बन जाते हैं, ठीक है। तो इतनी लंबी वीडियो काफ़ी रिसर्च करके मैंने बनाई। आई होप सो कि ये वीडियो तुम्हें पसंद आई हो। अगर इस टाइप की और वीडियोस तुम्हें देखना है तो प्लीज़ कमेंट में जाओ और वहाँ पे मुझे बताओ कि भैया मुझे और वीडियोस इस टाइप की देखनी है, और प्लीज़ कमेंट करके ये सब चीज़ें ज़रूर बताना, ताकि मैं भाई समझ सकूँ कि हाँ इस टाइप की एक्सप्लेनेशन तुम्हें पसंद आती है। मैं तुम्हें और भी चीज़ों की एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ फिर बना बना के दिया करूँगा, ताकि मैं तुम लोगों को अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स को आराम से समझा सकूँ। तो आई होप सो कि वीडियो में मज़ा होगा। वीडियो में मज़ा आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मेरे चैनल के ऊपर रूटिंग करने के लिए बहुत सारी गाइड पड़ी है। अगर आपका फ़ोन ओप्पो या रियलमी का है तो आप लोग भाई आई बटन के ऊपर जाके उसको देख सकते हो। अगर आपका फ़ोन सैमसंग का है तो भी आप लोग आई बटन के ऊपर जाके देख सकते हो। MI के फ़ोन और दूसरे फ़ोन्स को रूट करने की गाइड अभी मैंने नहीं बनाई है, बट मैं इन फ्यूचर ज़रूर बनाऊँगा। तो हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कमाल की वीडियो में।